बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर बिलखसूस पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ इमरान खान के ताल्लुकात एक ऐसे दौराहे पर हैं जो कि शायद अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं। बहुत से खैरख्वाह, बहुत से दोस्त और बहुत से ऐसे लोग जो इन दोनों फरीकैन का भला चाहते हैं, वो इस वक्त मैदान में तो हैं, लेकिन बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे जिनसे ये फैक्ट एस्टेब्लिश किया जा सके कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो सकते हैं। इसमें अब एक ऐसा बड़ा दावा सामने आया है जो बड़ा अलार्मिंग है और मुख्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान एक नामालूम गुफ्तगु, एक सीक्रेट गुफ्तगु इस वक्त ना सिर्फ मंजरे आम पर आ चुकी है और एक दूसरे पर किस तरह से इल्जामात की बारिश हुई है, इस हवाले से बड़े तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं और मजीद चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि आज जिस नहज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फिर न्यूट्रल्स या मुख्तदर हल्के जो भी नाम दे लें वो पहुंचे हैं, वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से वो आज इस नहज तक पहुंचे हैं। एक नया तूफान खड़ा हो गया है। इससे पहले आपको पता है कि नजम सेठी ने एक इंकशाफ किया और नजम सेठी ने मुख्तदर हलकों की तरफ से इमरान खान को डायरेक्ट मैसेज ना सिर्फ पब्लिक किया बल्कि उन्होंने इस कदर कॉन्फिडेंस से ये बात कही कि मुख्तदर हलके इस वक्त इमरान खान से फलां फलां चीजें मनवाना चाहते हैं और फलां फलां मुतालिबात मनवाना चाहते हैं। अब इस सारे मामले में जावेद चौधरी साहब भी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कुछ चीजें इस वक्त सामने रखी हैं। पहले मैं उनका पूरा नैरेटिव, जो उनका बयान है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद हम इसका एनालिसिस भी करेंगे और पोस्टमार्टम भी। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मुल्क में 6 माह से ये सवाल जेरे बहस है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आखिर इशू क्या है। मैंने ये सवाल 4 माह में मुल्क की मुख्तलिफ शख्सियात के सामने रखा, यानी जो ताकतवर शख्सियात हैं उनके सामने मैंने ये सवाल रखा और उनके जवाबात से एक तस्वीर बनाई है और वो तस्वीर मैं आज सबके सामने रखना चाहता हूं। ये तस्वीर इस वक्त 100% दुरुस्त है या जुज़वी दुरुस्त है, इसका फैसला तो अल्लाह की जात ने करना है। ताहम जो सियासी हकायक मेरे नोटिस में आए हैं मैं जू के तू आपके सामने रख रहा हूं। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से 4 शिकवे हैं जावेद चौधरी के मुताबिक। बड़े अरसे बाद बर्फ पिघली है और जावेद चौधरी ने इमरान खान से मुलाकात भी की है। खैर, वो कहते हैं कि इमरान खान का पहला शिकवा 2018 के इलेक्शंस हैं। ये समझते हैं कि हमें 2018 में 2/3 अक्सरियत मिल रही थी लेकिन हमारी सीटें जानबूझकर कम की गई ताकि सिंध में आसिफ अली जरदारी, पंजाब में नून लीग और विफाक में हमें कमजोर रखा जा सके। चुनाचे हमें कमजोर मैंडेट की वजह से खुलकर फैसले नहीं कर सका और ये मेरे खिलाफ ऑन पर्पज किया गया। दूसरा इमरान खान का शिकवा था कि मैं नुमाइशी वजीर आजम था, यानी कि मैं सामने था, सिर्फ फैसले कोई और करता था और उन फैसलों की बदनामी मेरी झोली में डाल दी जाती थी। चुनाचे मैं 3.5 साल के तजर्बे से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इख्तियार उसी के पास होना चाहिए जिसके पास इक्तदार है। और इस सब के अंदर कुछ और चीजें भी हैं। इमरान खान अब आसिफ अली जरदारी, यानी बकौल जावेद चौधरी के, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का नाम नहीं लेते लेकिन ये मानते हैं कि इन लोगों का इख्तियार के मामले में बयानिया दुरुस्त था। अब तीसरा शिकवा जो इमरान खान का मुख्तदर हलकों से है, उसमें वो कहते हैं कि ऑपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ इकट्ठा किया। बफर्ज़े मुहाल अगर ये खुद इकट्ठे हुए भी थे तो एस्टेब्लिशमेंट को मेरी हकूमत बचाना चाहिए थी लेकिन ये ऐन वक्त पर न्यूट्रल हो गए जिसकी वजह से शकूक व शुभात ने जन्म लिया और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और चौथा शिकवा, मुल्क में नए इलेक्शन में चाहता था लेकिन ये लोग इस इम्पोर्टेड हकूमत को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। अब जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये इमरान खान के बुनियादी शिकवे हैं लेकिन इसके साथ दूसरे फरीक का जो मौकफ है, यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसका मौकफ यकसर मुख्तलिफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मानते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है आर्मी चीफ के हवाले से डायरेक्ट नाम लेकर,
यानी आर्मी चीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने उन्हें ज्यादा इज्जत दी थी, तीन मरतबा उनकी हुकूमत गिराई गई, उन्हें जिला वतन भी किया गया, तीसरी मरतबा उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया और मरियम नवाज को जेल में रखा गया, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी फौज को मीर जाफिर या मीर सादिक का खिताब नहीं दिया, उन्होंने कभी न्यूट्रल होने का ताना नहीं दिया। उनकी बुरी से बुरी तकरीर भी गुजरांवाला जलसे वाली थी, जिसमें नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को साहिब कहकर पुकारा। दूसरी तरफ हजार हा एहसानात के बावजूद फौज को क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ नहीं कहा जा रहा कि इस पूरे मामले के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ये मानती है। एक तो ये मौकफ आ गया जो बाजवा, जनरल बाजवा के हवाले से इन्होंने एट्रीब्यूट किया है, दूसरी तरफ के शिकवे शिकायतों को समझने के लिए ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब यहां पर मुक्तदर हलकों की तरफ से इसकी अभी तक तरदीद नहीं आई। जावेद चौधरी ने ये बातें एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पर बड़े वसूख से लिखी हैं, फिर ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मानती है कि हमें गलतफहमी थी कि इमरान खान के पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है, ये 200 लोग लेकर आएंगे और मुल्क बदल जाएगा, लेकिन जब खान की हुकूमत बनी तो 2-3 हफ्तों में ही हमारी आंखें खुल गईं और इस पूरे मामले में वजीर आजम ऑफिस जब हम गए तो हमने एक नौजवान को देखा, उसने बालों में जेल लगाया हुआ था, होंठों पर चैपस्टिक थी और चेहरे पर मेकअप था, वो वजीर आजम के कमरे में जाता था और बाहर निकलता था, हमने स्टाफ से पूछा ये कौन है, हमें बताया गया ये जुल्फी बुखारी हैं, और हमारे एक कुलीग के मुंह से हैरत से निकल गया, उफ ये जुल्फी बुखारी है। काबीना के इजलास में वजीर आजम ने तमाम मुआवने खसूसी अपने सामने बिठा लिए और विफाकी वजरा को वीडियो कॉल पर लिया, दूसरे कमरे में विफाकी वजरा बैठे थे जो बुरा मान गए और उन सब ने एक एक करके उठना शुरू कर दिया। अभी सब के अंदर चीफ ने वजीर आजम को समझाया कि सर आप अपने साथियों को इज्जत दें, आप अपने वजरा जो साइड वाले कमरे में बैठे हैं उन्हें वीडियो कॉल पे क्यों ले रहे हैं और अपने मुआवनीने खुसूसी जो किचन कैबिनेट के लोग हैं उन्हें अपने पास क्यों बैठा रहे हैं, ये चीफ ने उन्हें ये बात कही, ये डिकोरम के खिलाफ है और इसमें इमरान खान ने अपने मुआवनीन को ज्यादा इज्जत दी। फिर एस्टेब्लिशमेंट को एक और शिकवा भी था, वो ये था कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में डॉक्टर शीरी मजारी क्यों बैठती हैं, उनका पोर्टफोलियो तो ह्यूमन राइट्स का था, ये किसी भी तरह उस कमेटी में फिट नहीं होती, लेकिन उन्हें इस कमेटी के अंदर क्यों बिठाया जाता है, ये मुक्तदर हलकों का एक शिकवा जो पहली मरतबा मैंने भी सुना है, इससे पहले ये चीज सामने नहीं आई। शीरी मजारी की तकारीर और उनकी ट्वीट्स का भी इमरान खान और मुक्तदर हलकों के ताल्लुकात की खराबी में एक बड़ा हाथ था। फिर फौज ने इमरान खान को कहा कि आप इस तरह से मुल्क नहीं चला सकते, वजीर आजम ने एक दिन बिग गन्स को बुलाकर कहा कि आप अगर ऑपोजिशन के 20 लोगों को उठा लें ये तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, जवाब दिया गया सर हम उन्हें कैसे उठा सकते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। वजीर आजम ने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने भी तो सबको उठाकर जेलों में फेंक दिया था, जवाब दिया गया सर वो मार्शाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर थे, जबकि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है, हम लीडर्स को कैसे उठा सकते हैं, वजीर आजम का हुक्म था कि आप बस उठा लें, जवाब दिया गया कि सर आप हमें ऑर्डर्स दें हम उन्हें उठा लेते हैं। वजीर आजम ने कहा कि लिख कर कैसे दिया जा सकता है, अब ये एक एलिगेशन है या फिर इमरान खान पर एक चार्ज शीट बनाई जा रही है कि बतौर वजीर आजम उनकी ये गलतियां थी जिनकी वजह से आज मुक्तदर हलकों के साथ उनके ताल्लुकात इस नहज पर पहुंचे हैं। इमरान खान के साथ जब जावेद चौधरी की मुलाकात हुई तो जावेद चौधरी के बकौल इमरान खान ने इस खदशे का भी इजहार किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो अक्टूबर 2021 का लॉन्ग मार्च था उसके पीछे भी न्यूट्रल्स थे और इस खदशे की तहकीक की तो एस्टेब्लिशमेंट और साबिका काबीना के 5 वजरा ने तस्दीक की कि जी बिल्कुल मामलात इसी तरह हैं। इस वक्त इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये लगता है कि सारे दोस्तों को नाराज कर दिया है, इसी तरह का एक नैरेटिव नजम सेठी ने भी बनाने की कोशिश की और उन्होंने भी यही दावा किया था कि एस्टेब्लिशमेंट को ये चंद शिकवे थे। अब इसमें अलबत्ता कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस इनकी तस्दीक तो नहीं है लेकिन तरदीद भी मुक्तदर हलकों की जानिब से नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इसके अलावा और भी चीजें थी मुश्तरका मशकों के मामले में, सऊदी अरब के साथ भी आर्मी चीफ को ताल्लुकात ठीक करना पड़े ये मामला भी था, इसके साथ कुछ मीडिया मालिकान के हवाले से ये कहते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे,
एक मरतबा पीटीआई के सेनेटर ने चीफ के अहम तरीन साथी से वक्त लिया और कहा कि एक सेफ हाउस में सारे मीडिया मालिकान को बुलाते हैं, उन्हें उनकी गंदी वीडियोस दिखाते हैं। ये अब खान की टीम पर इल्जाम लग रहा है, यानी खान की टीम ने यह कहा, और उन्हें कहते हैं कि अब बताओ हम तुम लोगों ने क्या करना है। तो इस तरह के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। तो अब मुक्तदर हलकों और इमरान खान के साथ ताल्लुकात अब ठीक होते हुए इस पूरे सिनेरियो में जिस तरह का अब ये सामने है, आपके जिस तरह की खबरें अब सर्विस कर रही हैं और जिस तरह के दावे सामने आ रहे हैं, जिस तरह के क्लेम्स आ रहे हैं, ठीक होते हुए हालात हमें नजर नहीं आ रहे हैं।